हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टेली ERP-9 सीखने की सीरीज में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस प्रकार से हम जैसे सपोज कीजिए सेल्स या परचेज में कोई एंट्री करते हैं आप, तो उसको हम कैसे देख सकते हैं। क्योंकि कई बार मेरे को कमेंट ये भी आया कि सर इसको देखेंगे कहां, तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो पहले एंट्री भी करेंगे, हम दोनों चीजें हम देखेंगे कि एंट्री करते कैसे हैं और उसको देखेंगे कहां जाकर के, तो ये दोनों चीजें हम करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं टैली ERP-9, ठीक है, ओपन करते हैं इसको और यहां पर हम अब आएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सेल्स वाउचर में ही चलता हूं। तो सेल्स वाउचर के लिए F8 दबाना है। ठीक है, यहां पे मैंने वाउचर टाइप मेंशन कर रखा है, एंटर प्रेस करूंगा तो यहां सेल्स वाउचर में आ चुके हैं। ठीक है, यहां पे अब रेफरेंस नंबर हमें डालना है, तो यहां पे कोई भी रेफरेंस नंबर डाल दिया हमने। ठीक है, अब यहां पर जिस डेट पे हम एंट्री कर रहे हैं वो डेट यहां पे पहले से आ रही है, आप देख सकते हैं 2 अप्रैल 2019 को ये एंट्री हो रही है। ठीक है, आप चाहें तो यहां से F2 करके डेट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी एंटर प्रेस करता हूं। अब यहां पे किसका नाम होगा, यहां पे उस पार्टी का नाम होगा जो पार्टी खरीदारी कर रही है। ठीक है, तो यहां पे मोहन डेटर मैं कर देता हूं। ठीक है, एंटर प्रेस करके और यहां पे इनका एड्रेस भी डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने एड्रेस डाल दिया, न्यू कॉलोनी देवरिया। ठीक है, ये एड्रेस हमने डाल दिया, एंटर प्रेस करके और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। ठीक है, अब यहां पर तमाम सामानों की लिस्ट हमें डालनी है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको यह दिखा दूं, यहां पे करंट बैलेंस हमारा काफी ज्यादा है, तो नेगेटिव कैश या नेगेटिव स्टॉक नेगेटिव कैश तो नहीं आने वाला है। तो चलिए आइए अब चलते हैं, देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सा सामान मौजूद है। देखिए, कीबोर्ड के हमारे पास 655 आइटम मौजूद है, तो कीबोर्ड के 655 आइटम में से हम कुछ को इसमें सेल करेंगे। तो ये हम देवरिया गोडाउन से उठा रहे हैं। अब जैसे कीबोर्ड के 655 आइटम में से 66 आइटम हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, और रेट इस पे ये लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 300 रुपए रेट लगा रहे हैं हम। ठीक है, आपको और अब फिर यहाँ पे दूसरा जो हमें लेजर यहाँ पे लेके आना है वो देखते हैं क्या है, डेस्कटॉप है। तो डेस्कटॉप के 163 आइटम हमारे पास मौजूद है पहले से, देवरिया गोडाउन से इसको उठाएंगे और 77 आइटम हम इसको ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तुरंत नेगेटिव स्टॉक आने लगा, क्योंकि 77 आइटम मौजूद नहीं है हमारे पास, तो जितने मौजूद हैं उतने ही हमें लेने हैं, नहीं तो नेगेटिव स्टॉक आएगा और ये एंट्री गलत मानी जाती है टैली में। ठीक है, तो यहाँ पे 12 आइटम हमने ले लिया, 12 आइटम मौजूद है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे आके और इंटरप्रेस करके और अब यहाँ पे और भी आइटम अगर हमें चाहिए तो यहां से हम चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे शुगर है, तो शुगर हमारे पास आउट ऑफ स्टॉक है। ठीक है, जीन्स के स्टॉक हमारे पास है, तो यहाँ पे हम आएंगे और देवरिया गोडाउन और यहाँ पे 5 जीन्स के स्टॉक को भी सेल करेंगे। ठीक है, अब जीन्स का स्टॉक हो गया, अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास कीबोर्ड एलईडी जो है, एलईडी टीवी जो है, इसको ले लेते हैं हम। ठीक है, और 7 क्वांटिटी, ठीक है, 32,000 की एक एलईडी, तो इसके हिसाब से 7 क्वांटिटी हमने सेल कर दी। ठीक है, नीचे आएंगे और यहाँ पे अब और देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं, मोबाइल है हमारे पास, तो मोबाइल भी 1-2 सेल कर लेते हैं। ये भी यहाँ पे क्वांटिटी डाल देता हूँ, 4 मोबाइल हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, 4 के हिसाब से यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इतनी सारी चीजें हमने सेल करी। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं कि इस पे CGST SGST लगाएं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो CGST GST का जो है ऑप्शन इनेबल करना होगा। अभी मैं GST का ऑप्शन इनेबल नहीं कर रहा। ठीक है, अभी मैं इसको डायरेक्टली इसको सेव कर रहा हूं। ठीक है, ईवे बिल अगर आपको चाहिए तो आपको यहां से मैं इसको नो कर देता हूं अभी। ठीक है, और यहां से इसको नरेशन में लिख देता हूं, सारे सामान बेचे गए ये मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, तो इसको हमने ओके कर लिया। अब इसको हम देखेंगे कहां, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इसको हम कहां पे जाके देखें। ठीक है, तो यहां पे आप पहले इसके बटन प्रेस करके बाहर आ जाइए। ठीक है, और डिस्प्ले के लिए डी दबाइए, आप गेटवे ऑफ टैली पर आकर के डी दबाना है आपको, डी दबाइए, फिर एक बार डी दबाइए। तो जैसे ही 2 बार डी दबाया आपने, तो यहां देखिए सोनू डेटर नाम का एक दूसरा हम लोगों ने जो एंट्री बनाई थी उसको देखेंगे। तो जो हम लोगों ने एंट्री बनाई थी वो ये है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, 2 अप्रैल 2019 को वो एंट्री हमने करी थी। ठीक है, और मोहन डेटर के नाम से था। ठीक है, अब इसका जब प्रिंट निकालना है तो हम यहां से अल्ट के साथ पी दबाएंगे, यहां अल्ट के साथ पी दबाएंगे तो ये प्रिंट निकलेगा और ये जाकर के यहां सेव होगा। तो मैं आपको दिखाता हूं अभी, इसको एक नाम दे देता हूं मैं, सेल्स आइटम। ठीक है, ये मैंने नाम दे दिया इसको। अब ये गया कहां, ठीक है, आइए वो भी देख लेते हैं ये कहां गया। तो यहां पे गए हम और पिक्चर में जाकर के
और यहां पे हमको सेल्स आइटम सर्च करना है, सेल्स के नाम से है। इसको मैं ओपन करता हूं, तो जैसे ही ओपन करूंगा हमारे सामने हमारा बिल होगा। तो ये देखिए ये हमारा बिल है और यहां पर ये सीरियल वाइज ये आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि उधार की एंट्री, जैसे सपोज कीजिए आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, उसकी एक दुकान है, एक शॉप है, वहां पर आपने 5000 का सामान खरीदा और 3000 रुपए ही आपके पास है, 2000 रुपए आपको बाकी लगाना है, तो इस स्थिति में हम कैसे एंट्री कर पाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी कि डिस्प्ले में जाके हम कैसे एंट्री देखें, एंट्री जो भी देखनी है आपको, जो भी आपने एंट्री कर रखी है वो जाकर डिस्प्ले में ही देखना है, ठीक है, ठीक है। अगले वीडियो में हम इनेबल भी करेंगे जीएसटी, ठीक है, और इनेबल करके और उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी या फिर एक और ऑप्शन आया हुआ है यूनियन टेरिटरी का यूजीएसटी, ठीक है, उसको भी हम देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।